पर उसने कहा कि कुत्तियां तो सावधान रहो, लिखिया दिखता तीन बार तू आए और हूं मैं चाहता कि बहुत ध्यान देना सुना क्या मैं कुत्तियां तो सावधान रहो उन्हें क्या है कुत्ते हो हां जो अपनी उल्टी बार वापस जाते हैं ये उल्टी करते हैं और फिर उन्हें चकते हैं मेरा तो की करो सावधान रहो और मैं जानता हां कई अजय कुत्ते हैं जो वापस अपनी उल्टी चक चुके तो उल्टी चटना की है बाइबल दे विच आ और इन बस खोल के बोल सकते हैं हर एक चीज जो बाइबल दे विच है तू ओदे ते निडरता दे नाल गल कर सकते हो कई हां जो उठ के खड़े होते मैं आ करांगा मैं प्रभु दे जीना मैं मर जाना मैं और आया तू नवे साल दे खास कर खास कर नवे साल दे तेरे गला का तो मैं जी परवाह की मैं परवाह नहीं होती परवाह नहीं मैं हूं पिछे लग गया और थोड़ी देर तो बाद पिछे लग गया प्रभु ने थोड़ी देर तो बाद जो चीज उन्होंने बीमार करती जो चीज उन्होंने पेट को खराब करती अपसेट करती सी बीमार करती सी रोगी बनाती सी वो उन्होंने कट दिती छड़ दिती पर फिर वापस सोती चीज फिर अंदर रह रहे मतलब बीमार फिर हो रहे और सख्त पलूस कह रहा इना तो सावधान रहो प्रभु ये कितने संगतियां और लोग इना कुत्तिया तो सावधान रहे होंगे ये कितने ये लोग ये चर्च और भैन भरा कुत्तियां तो सावधान रहे होंगे जिवें पलूस ने कहा साडे जान तो बाद बगियाड़ा बनणगे वो पार देणगे चर्च नूं किते ये लोग जिहड़ा कुत्तियां तो सावधान रहे होंगे तां अज देह दे विच बॉडी दे विच फलका ना फैलिया होंदा फलका वो लोग फलक गए कुत्तियां सावधान ही रहे कुत्तियां ने पढ़ और नेचुरल स्पिरिचुअल का टाइप है गोर मिल आ गया कुत्तिया ना भरे पै पे कुत्ते बहुत है इन तुम स्पिरिचुअल वाल लैके जवाब क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ समझा तो सामने दिखाता है जो तक नहीं दिखता तक जे कि सावधान रहे होंगे तो हलका ना फैलता पर अभी प्रभु का धन्यवाद करना चाहते कि महान डॉक्टर हेठा उतरिया है प्रभु यीशु मसीह की हजूरी एक बार फिर कलीसिया के अंदर प्रकट हो रही है ताकि हरेक बीमारी तो हरेक वायरस तो हरेक अलका तो शरीर ठीक कर सके आमीन प्रभु का धन्यवाद हो बहुत सारे अलका बहुत सारे रैमी तो चंगा करने लिए प्रभु यीशु मसीह साडे विचकार मौजूद है आमीन हालेलुया देखो मैं बाइबल चो लै रहा और जो कुत्ते कटते हैं किसी को तो कुत्ते का जो वायरस या रैबीज या होता और दिमाग च पहुंचता है तो पता कि जो कुत्ते किसी बंद हल्का होंगे या कुत्ते के पट्टे का जो भी इनफेक्शन हों की हों डॉक्टर साहब देखिए सागत हों और कुछ नहीं हों मतलब के दिमाग से असर किया जो दिमाग से असर किया वो वायरस जरा सीगा वो नाड़ा बेच दी जा जो नरम साड़ियां हैं या वेन जो हैं और नसा हैं उन्होंने बेच दी कितने पहुंचा ब्रेन दे विच पहुंचा वो दिमाग च पहुंच गया जो दिमाग दे विच पहुंचा तो ओदा दिमाग हुण सैट नहीं है क्योंकि ओदा दिमाग सैट नहीं है उन्हों हल्का होया आ वो रैबिस का वायरस ओदे अंदर बढ़ गया उन्हों परमेश्वर तेन दिसणगे तो कहेगा परमेश्वर तो देने एक नहीं जो दिमाग बपतिस्मा जो एक प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाइबल में वो इन कर दिमाग
ठाक क्योंकि उसका सेट नहीं है वो बपतिस्मा करेगा जो प्रिंसिपल शिशु शुरू होया जो कैथोलिक शिशु होया जो सारिया संस्थाव कर रही हैं जो कर रही हैं क्योंकि दिमाग वायरस बढ़िया या फिर कहेगा और कम चार कर सकती हैं रात साढ़े सवाल बाबा की मीटिंग से और भैन सी और संस्थाव च लिख रही है और किसी भैन गलबात चल रही और दस कहते कि फिर अपने श्री है कि भैन जो मैंने जो मैसेज भेजती हूँ भैन मैंने कहते कि मैं पास्टर को मैंने कहा कि पर बाइबल के नहीं लिखा कि औरत पास्टर हो सकती है प्रचार कर सकती है उन्हें मैंने फिर पूछा सवाल कि भाई जी वो मैंने कहते कि मरियम मगदलीनी ने प्रचार किया मैं कहा कि मरियम मगदलीनी ने किसी भी चर्च नहीं खोलिया अपने बाइबल कितने मरियम मगदलीनी चर्च चलाई सी मैंने हिस्ट्री च दिखाओ यही जवाब मैं उन्होंने दिता बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले चुने हैं और 12 चेले प्रेरित रसूल अपोस्टल जेड़े सी आदमी पुराने नियम के पूरे जाजकारी थी और सेवकाई सी कदे भी जाजक औरत नहीं बनी पर औरतों की कोल सेवकाई है वो गीत गा सकदियां वो साथ जा सकदियां गुआंड 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 गवाही दे सकदियां जिन्हें मरियम मगदलीनी ने गवाही दी सी जाके प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया मेरा निजी तजर्बा है अपने निजी तजर्बे दी क्या गवाही दे सकदियां पर पुलपट के उत्ते खड़े होके पौलुस कह रहा हुक्म चलाउण इहदी मैं परवानगी नहीं दिंदा पर जिन्हों ने वायरस दिमाग किया हल्काया वो इन चीजा इजाजत देंगे क्योंकि वायरस दिमाग तक पहुंच गया है दिमाग पहुंचे तो पहले पहले वह इलाज चाहिए और उस समय क्या कि कल मरी मकली नहीं सामरी औरत नहीं वो भी कही इसलिए उन्होंने सारे पेड़ चरौड़ा पाया सारे पेड़ में दसिया और उन्हें कहा कि जो मैं गवाया उन्हें क्या लोग आप गए उन्होंने देखा पर कि मैं सामरी औरत पास्टर बन गई सी क्यों चर्च कोई खोल लिया सी तुम इतिहास कितने भी नहीं दिखा सकते तुम चाहे वो बीपी हो गए चाहे वो फिल्मस हो जिन्हों के उत्ते गिफ्ट सिगा चाहे वो दोराकस हो गए जो सुना के कतार के है और चाहे वो होर प्रिंस किला हो गए कोई भी हो चाहे मरियम मगदलीनी हो चाहे वह सामरी औरत हो चाहे वह हो जोसेफ या बथेरी औरत जो इस पेर बोल सकती है चर्च क्योंकि बाइबल नहीं मानती क्योंकि वायरस जरा दिमाग तक पहुंच गया और दिमाग को हल्का होया है और वो जो दिमाग हल्का होता अल अटल पटलियां मार दिया और वो अजयन जिन्हें ब्याह कराया तलाक दिता फिर ब्याह कराया और अजय मदर गॉड कह गए ये परमेश्वर माता आया जो देहधारी होकर धरती से आई ये दिमाग खराब की गल है और एक कुतिया के दसे हुए या कटे हुए या कोई नहीं आदमी किने भी ब्याह करा सकता जिन्हों का मर्जी हो वो आदमी पास्टर बन सकता नहीं बाइबल ने एक योग्यता कराई है बाइबल का एक तरीका है कोई उठ के चर्च चो पास्टर आपे बन जाता आपे घरे लग जाता कोई वो वायरस का शिकार है वो बीमारी का शिकार है और जिन्हें वो ना लेंदा सब बीमारी फैला रहा है और बरदाना ने कहा जिस राह उत्ते स्वर्ग दूत भी अपना पैर रखने को डरते हैं पूरे लोग वोदे उत्ते कोटियां पा के जुतियां पा के छाला मारते हैं ये बीमारी मनाते हैं ये दिन कंट्रोल करते हैं ये वायरस है ये जमैन इस तरह मर गया इस कदर फिर मर गया ये भूखे बाज है ये दिमाग से जो लिखता ने नाल मेल नहीं खांदिया और गल्ला करेंगे जो कि रैबीज हो गया है हल्का हो गया है दिमाग जो है उसे तक वायरस पहुंच गया है पर कई जगह हाँ जो दवाई लैंड को बिना करते हैं पूरा की हालत भी नहीं माड़ी होवे क्योंकि जब ये प्रचार किए जा रहे हैं थानू अच्छे भी पहुंच रहे हैं ये दवाई दी जा रही है
कौड़ी दवाई भेजी जा रही है जगह जगह ताकि तेनू खा के तंदुरुस्त हो जाओ।